कायदे में डलिए तुम्हारी एक पंडित जी मेरी है वाली तो सबकी है चिंता मत करो सब मुझे मालूम है दादा उंगली मत करा उंगली करना खतरनाक है चलने से पहले मेरी सुन ले आलू की सिक रही है दाल की बिक रही है रायता ना हिसाब दे दूंगा फैल जाए तो बटरता नहीं फिर खोलना पड़ेगा लो पकड़ो हाथ में आया आ गया अरे यार दबाना तो ठीक हो जाओ करके हंस के देते हैं बता तो रहा हूँ अभी हमें फिरोजाबाद में पंडित जलपान ग्रह पर जो कि फिरोजाबाद की सबसे फेमस नाश्ते की जगह है नमस्कार अंकल नमस्ते जी भाभी भैया क्या क्या मिलता है अपने पास सुबह कचौड़ी मिलती है दोपहर के बाद में समोसा मिलता है मिर्च खाओ भाभी एक खा लो अरे देख दलो चेक करके मजा आ जाएगा अच्छा मिर्चों के साथ खिलाई जाती है यहाँ पे सब कुछ देते हैं मिर्ची भी देते हैं सब्जी भी देते हैं भैया कितने साल पुरानी शॉप है अपनी ये 6 साल पुरानी 6 साल पुरानी और 6 साल में इतनी प्रसिद्ध होगी कि पूरा फिरोजाबाद नाश्ता कर रहा है यहाँ पे जब आप दिल्ली से यहाँ तक आ सकते हो तो फिरोजाबाद की क्या औकात है अरे वाह सही बात बिल्कुल जब दिल वाले आ गए तो फिर क्या खेल खत्म बिल्कुल बिल्कुल सही ए आलू की रायते में पहले गिनती करने से पहले मेरी सुन ले आलू की सिक रही है दाल की बिक रही है थोड़े से इंतजार का मजा लीजिए रायता ना हिसाब से दूंगा फैल जाए तो बटरता नहीं है कौन सा भी रायता हो अच्छा रायता फैलना नहीं चाहिए रायता मत फैला भाई साहब चार हैं तो 10 रुपए होते तो भाई साहब गरीब ब्राह्मण का पेट तो मार रहे हो क्या कह रहे हो ताऊ ब्याह शादी तो कर लगे भले आदमी अरे पंडित में ब्याह होता है या यही होता है सभी लोग ये आलू की कचौरी का इंतजार कर रहे हैं वेटिंग चल रही है भयंकर आप कितने टाइम से खा रहे हो भैया अब ये पूछो इनके लिए ढूंढ के रहा हूँ अच्छा क्या ढूंढ रहे हो भैया तो मैं मिर्च ढूंढ रहा हूँ इनके लिए अच्छा मिर्च ढूंढ रहे हो मिर्च भैया पकड़ पकड़ के खिलाते हैं यहाँ पे रायता शायद इसीलिए है कि मिर्ची लग जाए तो रायता पी लो सब्जी से ज्यादा रायते में मिर्च है सब्जी से ज्यादा रायते में मिर्च है दिखती नहीं है मगर लगती बहुत तेज है अरे भाई साहब मैंने सोचा था सब्जी खा के रायता पीऊंगा आपका गारंटी तो ज्यादा परीक्षा हो जाएगी अगर ज्यादा पी लोगे तो फिर हल्का ही दीजिएगा हल्का हाथ रखिएगा मेरे पे आप अरे यार दबाना तो ठीक हो जो करके भैया की तो डल ही नहीं पा रहा है यहाँ पे छेद खोलना पड़ेगा अच्छा छेद खोलना पड़ेगा अब भैया ने छेद बड़ा करके डाला है भैया आपको कैसा लगा मसाला डलवा के बढ़िया लगा बढ़िया लगा लगा आप पहली बार खा रहे हो आते रहते हो क्या जी एक कचौड़ी रोज है एक कचौड़ी रोज है मन चला तो दो खा लेते हैं कभी एक तो रोज है भाई सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप रायता दोबारा ले लो तिवारा ले लो सब्जी दोबारा ले लो तिवारा ले लो हंस के देते हैं ये हाँ पंडित जी खुश होकर खिलाते हैं हंस के देते हैं बता तो रहा हूँ क्या भैया हंस के देते हैं 40 रुपए अभी दे हाँ दे रहा हूँ मुझे बता दो उंगली मत करा उंगली करना खतरनाक है क्या भैया उंगली कर रहे हैं उंगली करना बेकार है धोने का मजा ही अलग है धोने का मजा ही अलग है सब्जी और रायता पिया जा रहा है जितने भी यहाँ पे कस्टमर हैं बेहतरीन यार बेहतरीन भैया के चेहरे से ही पता चल रहा है कि सच में आनंद आ चुका जितने भी यहाँ पे कस्टमर हैं कचौरी खाने के बाद कोई यहाँ पे सब्जी फेंकता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना रायता फेंकता हुआ यहाँ पे पत्ता आखिर तक पिया जा रहा है ये देखो भैया ने खाली कर दिया खाली कर दी और भी लोगे भाई साहब ये क्या भैया कचौरी रायते में डाल रहे हो तो गाइस ये देखें यहाँ पे कचौरी रायते के अंदर ही मिलती है और यहाँ पे सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है आप देखिए सब्जी यहाँ पे मटके के अंदर है रायता मटके के अंदर है और जो कचौरी दी जाती है वो भी यहाँ पे पत्ते में दी जाती है सब्जी भी पत्ते में दी जाती है रायते वाले जरिए तो पंडित जी रायते कचौरी का आइडिया कहाँ से आया आपको कुछ नहीं जैसे ग्राहक चाहते हैं तो ये कचौरी खो गई अपनी है किस्म रायते में नहीं अभी एक और इसके बाद अभी एक और भी है इसके बाद और पंडित जी हमारे वाले भी लगा दीजिए कचौरी आप तो ये 4-5 मिनट से रायते में पड़ी है कचौरी अब रायता इसमें से निकाल दिया साथ में आ गई अपनी आलू की सब्जी जिसके यहाँ पे सब दीवाने हैं और अब ये भयंकर मिर्ची वाला रायता ये भैया कितने रुपए का पत्ता हुआ अपना 10 रुपए का तो गाइस फाइनली अपनी कचौरी आ चुकी है बिल्कुल सोगी हो चुकी है सॉफ्ट हो चुकी है आप देखिए अभी रायते के अंदर रही है कोई 4 से 5 मिनट तक आप लोग कमेंट करोगे कि हाथ डाल के निकाला है पंडित जी ने मेरे सामने हाथ धुले हैं उसके बाद निकाला है टेस्ट देखा जाएगा आप दीवानगी देखेगा जब से हम यहाँ पे आए हैं कोई 40 मिनट हो चुकी है भीड़ खत्म नहीं हुई है लोग आधा आधा घंटा 45-45 मिनट वेट कर रहे हैं कचौरी खाने का यहाँ पे देखा जाए ऐसा क्या है इस कचौरी में स्वाद सच में गजब का है कचौरी जो है रायते में पड़ी रही है तो रायते का खट्टापन इसने सोख लिया है साथ में सब्जी है उसमें बहुत बैलेंस मसाले हैं ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है टेस्ट लाजवाब आ रहा है जब छोटे थे पूरी बच जाती थी शाम को रायते में डाल के खाया करते थे कुछ कुछ वैसा ही स्वाद आ रहा है केवल 10 रुपए प्राइस है पूरा दोना भर के सब्जी देते हैं रायता देते हैं और जो भी देते हैं मुस्कुरा के देते हैं अगर आप फिरोजाबाद आ रहे हैं यहाँ पे पंडित जी के पास जरूर आइएगा
और वक्त निकाल के आइएगा। आधा घंटा लगेगा आपको यहाँ कचौरी मिलने में, लेकिन खा के मजा आ जाएगा आपको। और अगर ये वीडियो देख के मजा आया हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।